नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और भारत के अनेक हिस्से में बाढ़ आ रहा है। केजरीवाल ने कहा था कि फ्लड के कारण को बताइए, एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। बाढ़ आने की कौन कौन से कारण है, कहाँ कहाँ पर बाढ़ कैसे आता है, हम सारी चीजों पर बात करेंगे। हम आपको बाढ़ से कितनी मौत हुई इस पर नहीं जाएंगे, बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है इस पर बात करेंगे। भारत में मानसून का सीजन होता है, मई जून से शुरू हो जाता है, जून के फर्स्ट वीक में मानसून आ जाता है और ये अगस्त के लास्ट तक होता है। इसी दौरान में भारत के अलग अलग हिस्से में बाढ़ आ जाती है। फ्लड एक कंडीशन है जिसमें नदी के पास एक्स्ट्रा पानी आ जाता है और वो पानी आउट वे स्पिल हो जाता है और ये फ्लड कंडीशन होता है। अगर आप मेट्रो सिटी की बात करेंगे तो खास करके समुद्र के किनारे हैं तो ऐसे स्थान पर फ्लैश फ्लड होता है, जिसका मतलब होता है, इसको टाइडल बोल भी कहा जाता है। टाइडल बोल का मतलब होता है कि ज्वार जिस समय में आता है, जो टाइड्स आता है तो वाटर की फ्लो, जब नदी की जलधारा लगातार समुद्र की ओर जा रही है तो जब टाइड्स आता है तो उसको रोक देता है कुछ देर के लिए, और इसमें जो नदी की पानी होती है, वाटर चैनल्स का पानी होता है, वो आउटवार्ड चला जाता है। और इसके चलते आप बॉम्बे में, विशाखापट्टनम में, कलकत्ता में, चेन्नई में ये बाढ़ देख सकते हैं, जिसको टाइडल बोर के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में जो बाढ़ की कंडीशन, उसमें पहला कारण होता है कि ITCZ का एक ही स्थान पर रहना। ITCZ का मतलब होता है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये लो प्रेशर सिस्टम है, जहां पर ये तैयार होता है उसी स्थान पर सभी मॉनसून विंड चली जाती है और जरूरत से ज्यादा बारिश होने के चलते वहां पर बाढ़ की कंडीशन नदी में आ जाता है। दूसरा कारण होता है कई नदियों का कैचमेंट एरिया का बड़ा होना। कैचमेंट एरिया का मतलब हो गया जैसे गंगा नदी है, तो अगर नेपाल में भी बारिश होगा तो नेपाल की जो नदियां हैं जैसे गंडक या घाघरा, जो सहायक नदी है गंगा की, वो पानी लाकर के गंगा को दे देगी। तो किसी नदी का अगर कैचमेंट एरिया बड़ा हो जाता है तो वहां पर बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। जैसे गंगा और यमुना में जो इन दिनों आप देख रहे हैं, उसका कैचमेंट एरिया बड़ा है, तो कहीं भी बारिश हो रही है तो पानी अल्टीमेटली पहुंच जा रहा है गंगा और यमुना नदी के पास। तीसरा कारण होता है जो चंबल इलाके में है, जिसको बोलते हैं रेवाइंस से बाढ़ आना। इसका मतलब होता है कि जब बारिश शुरू होती है तो छोटे छोटे जलधारा बनते हैं जिसको रील्स बोलते हैं, और कई रील्स मिलकर के गली बन जाता है और कई गली मिलकर के रिवाइंस बनता है। तो चंबल में जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसमें लंबे लंबे मिट्टी का एक गुंबद नुमा आकृति है और वहां पर छोटे छोटे रील्स बनते हैं, जिसके चलते एक साथ चंबल नदी में वाटर फ्लो ज्यादा हो जाता है और वहां पर बाढ़ की कंडीशन आ जाती है। अगला कारण होता है कि भारत में जितने भी डैम है उसकी कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी कम है, और वहां पर छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं कोलाइड्स, वो अंदर जाने के बाद में डैम को अंदर से फिल कर देते हैं, तो पानी की कैपेसिटी वहां पर घट जाती है और इसके बाद बाढ़ का कंडीशन वहां पर तेजी से आ जाता है। और इसके चलते बाढ़ जो है, जहां जहां डैम को खोला जाता है, मतलब पहले से नदी में बारिश होते हैं, नदी के पास बारिश का पानी होता है और फिर बाढ़ का भी जो खतरा होता है डैम को खुलने के बाद बढ़ जाता है। अगला कारण होता है ग्राउंड वाटर। उत्तर भारत की कई नदियों में आप देखेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर जो है जमीन के नजदीक होता है, जैसे गंगा, तो जब बारिश होती है तो पर्कुलेशन नहीं हो पाता है और उस कंडीशन में वहां पर बाढ़ की कंडीशन हो जाती है। हरियाणा और पंजाब एरिया में देखेंगे तो ड्रेनेज पैटर्न सही नहीं है, यानी कि नदी की जो अपनी एक रास्ता होती है वो बना हुआ नहीं है। खास करके हरियाणा का घग्गर नदी हो या फिर दिल्ली के क्षेत्र में भी देखेंगे तो इनलैंड ड्रेनेज सही नहीं होने के चलते वहां पर बाढ़ की कंडीशन विकसित हो जाते हैं, ये भी एक बाढ़ का कारण होता है। कभी कभी क्लाउड बस्टिंग हो जाती है। क्लाउड बस्ट का मतलब होता है कि मिनिमम समय में मैक्सिमम बारिश हो जाना, मतलब जो पानी एक महीना में बरसना चाहिए था वो पानी एक ही दिन में बरस जाता है, जिसको हिंदी में बादल फटने की घटना कहते हैं। खास करके माउंटेन एरिया जो होता है, जिसमें जैसे कि आप उत्तराखंड को देख लें या मेघालय को देख लें, इस इलाके में क्या होता है कि अचानक से क्लाउड कंडीशन शुरू हो जाता है और वहां पर जो बारिश पूरे एक दिन में होनी चाहिए थी, एक महीने में होनी चाहिए थी, वो विद इन फ्यू आवर्स हो जाता है, मतलब दो घंटे में हो गया। उतना पानी किसी भी रीजन में स्टॉक रखने की कैपेसिटी नहीं होती है और बादल फटने के चलते भी बाढ़ का खतरा पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेश में आ जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कहीं कहीं के लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि जब नहर परियोजना जहां जहां पर चलाई जाती है तो नदी को काटकर खेत तक इरिगेशन के पर्पज से पानी लेकर जाया जाता है और बाद में उसको फिल अप नहीं किया जाता है। जैसे ही पानी भरता है नदी में
तो गांव तक पानी चला जाता जो फ्लड के कंडीशन होते हैं। ज्यादा इरिगेशन करना भी मुश्किल है, जैसे पंजाब हरियाणा में क्या होता है कि कैनल इरिगेशन जरूरत से ज्यादा है, और ज्यादा इरिगेशन होने के चलते अंडरग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। जब अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है तो सतह पर आने के चलते क्या है कि वहां पर नमी रेगुलर रहता है, और जब कभी बारिश होगी तो बारिश अंदर जा ही नहीं पाएगा, इसके चलते फ्लड के कंडीशंस बढ़ जाते हैं। आज हमने सिर्फ बताया आपको कि फ्लड की कंडीशन कौन कौन से है भारत में, अलग अलग इलाके में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, साउथ इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में। साउथ इंडिया में आप देखिएगा कि खास करके विंटर सीजन में चूंकि लौटती हुई मानसून से बारिश होती है, तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में नवंबर दिसंबर में बाढ़ के कंडीशन हो जाते हैं, और नवंबर दिसंबर में साइक्लोनिक रेन के चलते भी बाढ़ का कंडीशन आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आएगा चाहते हैं कि आपको ऐसा ही वीडियो लगातार मिलने लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे ऐसे ही जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।